दोस्तों इंडियन नेवी का जो एग्जाम है वो 3 और 4 तारीख को दिया गया है, जो कि फरवरी में है। और इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा खुशखबरी आया है जो कि सीट बढ़ने से है। तो कितना कितना सीट बढ़ा है, कितना कितना पिछला बार था, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग देख सकते हैं पिछला बार का सीट यहाँ पे ये है और इस बार का सीट का भी आज ही यानी कि तुरंत आया ये नोटिस, जो कि ये सीट यहाँ पर टोटल इतना है, ठीक है। और क्या क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा एग्जाम सेंटर का, जो अभी पूरा फुल एग्जाम सेंटर नहीं आया है, नहीं शो कर रहा है, तो क्यों नहीं शो कर रहा है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है इसी तरह से रिलेटेड मिलता रहेगा। और प्लस में मैं भी इस फॉर्म को भरा हूं और मेरा भी एग्जाम 3 फरवरी को है, तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पिछला बार जो हम लोग का यानी कि आया था इसके पहले वो कितना पोस्ट था। तो आप लोग देख सकते हैं कि ईस्टर्न नवल कमांड में 0.5 वैकेंसी था, सॉरी टोटल यहाँ पे 9 वैकेंसी था। और अभी जो आया है इसमें से देखिए बढ़ गया, टोटल कितना हो गया, टोटल 47 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग देखते हैं कि वेस्टर्न नवल कमांड में कितना वैकेंसी था, तो टोटल यहाँ पे 565 वैकेंसी था। और अभी यहाँ पे कितना हो गया है, तो अभी यहाँ पे 685 वैकेंसी हो गया टोटल। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साउदर्न नवल कमांड में टोटल 36 वैकेंसी था, ठीक है। उसके बाद अभी देखिए यानी कि नया जो है वैकेंसी आया उसमें से इसमें यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ, 36 का 36 ही है, इसमें यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ईस्टर्न नवल कमांड और वेस्टर्न नवल कमांड ये दो ही जगह पर चेंज हुआ है, जो कि यहाँ पे देखिए 8 से या 9 से शायद, हाँ 9 वैकेंसी था, वो 47 हो गया है और इसमें 685 हो गया है, जो कि पिछला बार टोटल वैकेंसी थी 610। आप लोग देख सकते हैं इस जगह पे 610 वैकेंसी था टोटल, और यहाँ पे टोटल जो है 768 वैकेंसी टोटल हो गया है, ठीक है। और ये न्यूज़ जो है ऑफिशियल है, मैंने टेलीग्राम पर अपडेट पहले कर दिया था, आप लोग टेलीग्राम में अगर नहीं होंगे तो टेलीग्राम में जा करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। और आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसका जो है वो नेगेटिव मार्किंग कितना है। तो भाई देखो इसमें ना इंग्लिश आएगा 25, उसके बाद मैथ आएगा 25, रीजनिंग आएगा 25 और जनरल अवेयरनेस आएगा 25, यानी कि टोटल 100 नंबर का रहेगा, चार यानी कि चार भाग में करके आएगा, ठीक है, 25-25 क्वेश्चन। तो इसमें देखिए कोई का कोई यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। आप लोग को ये नहीं सोचना है कि हम ये क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो मेरा नंबर कटेगा, भाई सारा का सारा अटैम्प्ट करना है, ठीक है, सारा का सारा अटैम्प्ट करना है। और देखिए एक क्वेश्चन के बदले आपको जो है एक नंबर मिलने वाला है, और अगर आप लोग कोई भी कितनों भी गलती करते हैं आपको कोई भी नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। ये हो गया पहला। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम सेंटर का जो प्रॉब्लम यानी कि अभी एडमिट कार्ड में शो नहीं कर रहा है, तो गाइस देखिए अभी आप लोग डाउनलोड करते होंगे तो आपको सिर्फ दिखाता होगा, जैसे अपना जहाँ भी भरे होंगे, जैसे कोलकाता हो गया, रांची हो गया, कहीं भी हो गया, तो इस तरह से आप लोग भरे होंगे ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ भी आप लोग भरेंगे तो केवल बड़ा उस सिटी का नाम दिखाता होगा, ठीक है, बड़ा सिटी का नाम। उसके बाद आपका सेंटर कहाँ पे होगा, किस जगह पे, ये वाला देखिए बताया गया है कि 72 घंटा पहले आपका आएगा, यानी कि 3 तारीख को एग्जाम है ना मेरा, 3 फरवरी को, तो मेरा हो सकता है आज के डेट में भी आ सकता है, नहीं तो कल तक आएगा। और जब भी आएगा पूरा फुल एडमिट कार्ड में सेंटर का नाम, तो मैं आपको जो है बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को घबराना नहीं है, सारा कुछ यानी कि अपडेट मिलता रहेगा इस चैनल में, आप लोग सब्सक्राइब कर रख सकते हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी बढ़ चुका है, जो कि 768 हो चुका है। तो भाई सब लोग तैयारी करते रहो, और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए जय हिंद जय भारत।